तो मैं तो सीधा सीधा सवाल एक आम नागरिक के होने के नाते इनसे करता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं दाऊद को पाकिस्तान से लेकर के आऊँगा और आप एक मुख्तार अंसारी को पंजाब से नहीं ला पा रहे। याद क्यों नहीं आया 19 में? याद क्यों नहीं आया? आखिर 20 में क्यों आया? 21 में क्यों आया? इसलिए आया ना क्योंकि 22 में चुनाव है। तो हिंदू मुस्लिम जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इनका पेट भरेगा नहीं। जब तक आपस में एक दूसरे को लड़वाएंगे नहीं तब तक इनका पेट भरेगा नहीं। तो ऐसी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के खून में है। एजेंट है साक्षी महाराज जैसे, वो मुस्लिम को गाली देंगे उसके बाद सेंटिमेंटली ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों की जरूरत ही क्यों है? तो युवा समझ चुका है आखिर कितने जुमले ये जहाँ जा रहे हैं, जिस चुनाव में जा रहे हैं सिर्फ जुमले बोल रहे हैं। यूपी के चुनाव में इन्होंने बोला 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। बिहार के चुनाव में इन्होंने बोला हम 18 लाख युवा 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। आप युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? क्यों नहीं शिक्षा की बात करते हैं? क्यों नहीं चिकित्सा की बात करते हैं? क्यों देश को बेच रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सरगर्मी तेज हो गई है। मुद्दा विहीन हो चुकी राजनीति में अब मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। इसको लेकर के अभी जो माहौल बड़े तेज़ी से तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो हिंदू वर्सेज मुस्लिम का कहीं ना कहीं एक बार फिर बनता नजर आ रहा है। जिसको देखते हुए अभी जो सरगर्मी चल रही है उसमें मुख्तार अंसारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा नेता बने हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे। जी, आपका परिचय? विश्वनाथ कुंवर नाम है, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस वाराणसी। विश्वनाथ जी, जो मुख्तार अंसारी को लेकर के यहाँ पे एक सरगर्मी बनी हुई है राजनीतिक गलियारे में, एक चर्चा बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको उत्तर प्रदेश लाना चाह रहा है, पंजाब सरकार उनको वहाँ से भेजना नहीं चाह रहा है, इसको लेकर के जो राजनीतिक चर्चाएं बनी हुई है, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? क्योंकि पहले तो बता दें कि इस राजनीतिक चर्चा के विषय की जड़ भी भारतीय जनता पार्टी ही है और इसका मुख्य कारण है कि आने वाले चुनाव में वोट का पोलराइजेशन किया जा सके, बंटवारा किया जा सके। क्योंकि जब व्यक्ति विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, सभी चीज़ों पे फेल हो जाता है तो वो लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद की बातें करता है। अब आते हैं मुख्तार अंसारी के प्रकरण पे। मुख्तार अंसारी के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है। यदि ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब सरकार नहीं भेजना चाह रही है, न भेज रही है, तो मैं तो सीधा सीधा सवाल एक आम नागरिक के होने के नाते इनसे करता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं दाऊद को पाकिस्तान से लेकर के आऊँगा और आप एक मुख्तार अंसारी को पंजाब से नहीं ला पा रहे हैं। अच्छा, पंजाब सरकार किस आधार पे इन्वॉल्व है ये नहीं बता रहे हैं। यदि किसी आधार पे इन्वॉल्व है तो आपके पास सेंट्रल की मेडिकल टीम है, आपके पास अपने प्रदेश की मेडिकल टीम है, कोर्ट से मेडिकल टीम जा करके उनके शारीरिक परीक्षण करके और कोर्ट के फैसले से लाया जा सकता है। और वही हुआ भी, आज कोर्ट ने फैसला दिया और वह भी रहे हैं। तो इतने दिन तक सिर्फ भाजपा राजनीतिकरण करके मुख्तार को और वोट बैंक की राजनीति कर रही थी। सबसे पहली बात कि मुख्तार को किसी तरीके से भाजपा सरकार बचाना चाह रही है, उसका मुख्य उद्देश्य है। कि यदि मुख्तार को बचाना नहीं चाहती तो आप देखे होंगे कि इसके पहले विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या में मुख्तार अंसारी आरोपी थे और उनके परिवार के लोग ही लगातार आज तक कहते आ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने हत्या करवाई है और पूरा पूर्वांचल की जनता जानती है कि उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। फिर भी कोर्ट द्वारा क्लीन चिट इस सरकार के मिली भगत से क्लीन चिट दे करके, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, उस क्लीन चिट को कोर्ट में पेश करके मुख्तार अंसारी को बचाया गया। दूसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं अजय राय जी, पूर्व विधायक, 5 बार के विधायक रह चुके हैं पिंडरा विधानसभा से। इनको भाजपा सरकार में ही हथियार के लाइसेंस हुए थे और वो लाइसेंस इन्हीं के सरकार में आज रद्द किए गए क्योंकि मुख्तार के खिलाफ वो गवाही दे रहे हैं और अजय राय जी के भाई की भी हत्या में भी मुख्तार अंसारी का इन्वॉल्वमेंट था। तो उतने बड़े माफिया के खिलाफ जब ये गवाही देने के लिए हुए तो भाजपा सरकार इनको तोड़ना शुरू कर दी कि आप मुख्तार के खिलाफ कैसे गवाही दे रहे हैं। तो भाजपा सरकार उनके हथियारों की पहले तो लाइसेंस जब रद्द किया, फिर भी अजय राय जी की ने नहीं माना और अपने भाई की चुकी बात है तो हम क्यों मानेंगे और क्यों दबेंगे, हम किसी से भी लड़ेंगे। तो वो फिर गवाही देने के लिए जब इलाहाबाद गए और इलाहाबाद में जब कोर्ट में ये मामला खुला और चला तो वापस आने के कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि जो गनर सुरक्षा के लिए दिया गया था सरकार द्वारा, उनको वो भी छीन लिया गया।
इसलिए कि आपको बिल्कुल निहत्था और कमजोर करके आपको डराया जा रहा है कि आप मुख्तार जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं हुई है। हमें तो उनको यूपी ला करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम को एक मुद्दे को क्रिएट करके लंबे चौड़े रूप में उसको दिखा करके पोलराइजेशन की राजनीति करके वोट लेना है। मुख्तार अंसारी उनसे नहीं मिले रहते तो आप देखे होंगे जब मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ चुनाव लड़ते थे तो यही मुख्तार अंसारी को बाकायदे भाई बहन के मायावती और लालजी टंडन के भाई बहन के रिश्ते को निभाते हुए जोशी जी के रिश्ते को निभाते हुए मुख्तार जब अजय राय जी चुनाव जीतने जा रहे थे और भाजपा को लगा कि भाजपा यहाँ हारेगी तो वो मुख्तार अंसारी को का उपयोग की बसपा द्वारा लड़वाया गया मायावती जी से भाई बहन के रिश्ते को जैसे आज निर्वहन हो रहा है और उसमें वोट पोलराइजेशन करके भाजपा को जिताया गया। तो वोट पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को वोट की राजनीति बनाना चाह रही है आगामी विधानसभा चुनाव में। जी आप क्या मानते हैं इसको, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। जी मेरा नाम कुंवर यादव है। कुंवर, क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है? देखिए ये तो पूरा जग जानता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के प्रोजेक्ट को शुरू से ही लॉन्च करती आई है और यही इसका एजेंडा रहा है। 2017 से 18 से 19 में 20 में इनको कब मुख्तार जी का याद कब आता है? मुख्तार एक मुस्लिम चेहरा है तो 17 में याद क्यों नहीं आया, 18 में याद क्यों नहीं आया, 19 में याद क्यों नहीं आया, आखिर 20 में क्यों आया, 21 में क्यों आया? इसलिए आया ना क्योंकि 22 में चुनाव है। तो हिंदू मुस्लिम जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इनका पेट भरेगा नहीं, जब तक आपस में एक दूसरे को लड़वाएंगे नहीं तब तक इनका पेट भरेगा नहीं। तो ऐसी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के खून में है, खून में। कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं, अदर पार्टी के नेता भी हैं जिन्होंने अभी वक्तव्य भी दिया था कि मुख्तार अंसारी अगर आते हैं उत्तर प्रदेश में तो उनके जान माल को भी नुकसान है, क्या मानते हैं इसको? हो भी सकता है, एक तरीके से हो भी सकता है क्योंकि ये सरकार दोहरी चरित्र की राजनीति शुरू से करती चली आई है। ये कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को अपना बाप बना लेगी, हो सकता हो अपने फायदे के लिए सरकार मुख्तार अंसारी को अपना बाप बना ले और हो सकता हो कि अपने फायदे के अनुसार मुख्तार अंसारी की जान भी ले सके। तो ये सरकार पूरी तरीके से 2022 के एजेंडे फोकस कर रही है। अभी इनसे आप जब पूछेंगे ना कि पेट्रोल का दाम क्या है तो ये कहेंगे पाकिस्तान। आप इनसे पूछेंगे क्या आप युवाओं को रोजगार दे रहे हैं सफल आए तो ये कहेगा अरे आप बांग्लादेश में देखिए। तो इस तरीके की राजनीति अभी घरेलू गैस सिलेंडर पे आपने जो कहा कि हो सकता है कि ये सरकार इनकी हत्या भी करा सकती है तो क्या मानते हैं कि मुख्तार अंसारी अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनकी हत्या भी हो सकती है? देखिए बिल्कुल नहीं होगा, हम तो पहले ही कह दिए हैं। देखिए हो सकता है कि हम किसी अदर पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो भाजपा पे आरोप लगाते हों, हो सकता है ये बात मैं एक बार मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ को समझिए कि जो व्यक्ति मुख्तार अंसारी के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर लड़ रहा है विधायक अजय राय, उनका लाइसेंस रद्द करना, उनकी सुरक्षा को छीनना और उनको कमज़ोर करना पहले तो स्पष्ट ये दर्शाता है कि आप मुख्तार अंसारी के फेवर में सरकार है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सरकार बहुत पहले चाहती तो मुख्तार अंसारी को ला करके उनका मुकदमा खोल करके उनके ऊपर अभी तक सजा होगी रहती, वो नहीं की। तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये सब चीज़ें चुनाव में ही क्यों हो रही है। और चौथी सबसे बड़ी बात कि जिस कृष्णानंद राय की हत्या में वो पहले से वांछित रहे, पहले से आरोपी रहे, उस मामले में CBI जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे आज चल रही है मुख्तार अंसारी को क्लीन चिट दे करके बचाई है। तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा मुख्तार अंसारी जिस तरीके से लोग आरोप लगाते हैं ना कि भाजपा ओवैसी से मिली हुई है, ओवैसी भाजपा की बी टीम है, ओवैसी पूरे देश में सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा वो कुछ हिंदू को बोले भाजपा कुछ मुस्लिम को बोले ध्रुवीकरण की राजनीति, क्योंकि जो व्यक्ति काम करने वाला नहीं होता है वो इस तरीके की राजनीति करता है, वही ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी की तरह मुख्तार अंसारी को इस्तेमाल करने के लिए भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय ला रही है। क्या लगता है आपको कि मुख्तार अंसारी को भी बीजेपी टिकट दे करके उम्मीदवार बना सकती है? देखिए ये काम बीजेपी नहीं करती है, बीजेपी जो अपनी बी टीम को रखती है उसको फ्रंट फुट पे खेलने का मौका नहीं देती है। बीजेपी मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का उपयोग करती है, जहाँ लगेगा कि बीजेपी को खतरा है, बीजेपी को लगेगा कि हम हर जगह से फेल हो गए हैं, जनता हमारे साथ वोट नहीं दे रही है, वहाँ मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से अपनी बातों को वो बुलवाती है। यदि हिंदू को गाली दिलवाना रहेगा तो कौन गाली देगा, तो इनके एजेंट गाली देंगे, ओवैसी जैसे लोग गाली देंगे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग जाएंगे, उसके बाद इनके जो एजेंट है साक्षी महाराज जैसे वो मुस्लिम को गाली देंगे, उसके बाद सेंटिमेंटली ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों की जरूरत ही क्यों है,
मेरी बात मत मानिए मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं एक आम जनता की हैसियत से करता हूँ कि क्यों नहीं आप युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं शिक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं चिकित्सा की बात करते हैं, क्यों देश को बेच रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। और आज के हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई ये समझ चुके हैं कि हमें आपस में लड़ना होगा लड़ लेंगे, मिलना होगा मिल लेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी जैसे दोहरे लोगों को भगाना है यहाँ से, नहीं तो ये लोग बिना कुछ किए हम लोग को जिंदा मार डालेंगे, खाए बिना मार डालेंगे, क्योंकि इनके पास एक ही मुद्दा है, सेंटिमेंटली भावना भड़का करके ध्रुवीकरण की राजनीति करके लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके और उस पर राजनीति करना। मैं क्या कहता हूं, क्या जरूरत है, क्या लगता है आपको कि अब भी देश का युवा, इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस संकीर्ण मानसिकता से घिरा हुआ है कि इस तरीके की ओछी राजनीति को नहीं समझ सकेगा? नहीं, अब तो युवा समझ चुका है। आखिर कितने जुमले ये जहाँ जा रहे हैं, जिस चुनाव में जा रहे हैं सिर्फ जुमले बोल रहे हैं। यूपी के चुनाव में इन्होंने बोला 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। बिहार के चुनाव में इन्होंने बोला हम 18 लाख युवाओं 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया।